ए वो क्या बोलता है? ये देखो पढ़ना बारिश 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 तो 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसी के वजह से गाइस ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे। एंड इस वक्त गाइस हमारा मतलब कि कुछ अलग ही प्लानिंग चल रहा था मेरे कॉलेज के लिए, थोड़े से वर्क सा मतलब काम आ रहा चल रहा था कि कहाँ पर एडमिशन लिया जाए, तो वो प्रोसेस भी चल रही थी, तो इसके वजह से भी ब्लॉग्स थोड़े डिले आ रही थी एंड बारिश के वजह से। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आई होप योर गाइस आर परफेक्टली ऑलराइट। आज गाइस आपको कुछ रोशनी जरा ज्यादा ही दिख रही होगी बिकॉज आपको किसी से इंट्रोड्यूस करना है। पीछे भी गाइस एक कहानी है, तो पिछले महीने गाइस हमारा जो रैबिट था वो हमारा पेट था वो गुजर गया था एंड उसके वजह से हमको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था एंड लिटरली मतलब कि हम उदासी हो गए थे। ए वो क्या हाय बोल, हाय बोलना, हाय। दिस इज द पर्शियन कैट, दिस इज द मेल वर्जन, मेल, दिस इज द मेल गाइस, एंड दिस सिर्फ 3 डेज का है एंड हरकतें देखोगे ना तो गाइस तो आप हैरान हो जाओगे, मतलब क्या ये करता है। लिटरली मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि हम इसको लेंगे, मतलब गाइस पापा ने लाया था सो हम इसके साथ अभी थोड़ा खुश है, अभी अभी आया है और लग 2 दिन हो गया है गाइस, स्टॉप करके रखा है घर वाट ना 3 दिन हो गया है गाइस, बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है बिकॉज पहले दिन गाइस बहुत ही ज्यादा मतलब पूरे घर पे आतंक मचा चुका था, आतंक मचाया था पूरे घर के ऊपर, बट अभी गाइस स्टेबल हो चुका है, मतलब कि सोता है वापस से। फर्स्ट डे था, फर्स्ट नाइट थी गाइस वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, मतलब सो रहा था उठ रहा था उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि अलग जगह थी, तो उसके वजह से वो थोड़ा सा हिला हुआ था, उसका दिमाग सेकेंड डे से गाइस वो थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल हो चुका था एंड गाइस जो आतंक मचाया था ना इसने बहुत ही ज्यादा मतलब कि अभी भी आतंक मचा रहा है। आपको मैं शॉर्ट्स दिखाता हूँ कि मतलब इसने क्या क्या किया है। ए बागड़ बिल्ला मैं इसे बागड़ बिल्ला ही बोलता हूँ, इसके दो नाम मैंने सजेस्ट किए हुए, एक मैक्स है और एक सिम्बा है। सो अगर आपको और कुछ नाम सजेस्ट करना है तो प्लीज गाइस सजेस्ट कर सकते हो। एंड ये देखो, अबे उतर ना, उतर अबे उतर उतर। और गाइस इसको सिर्फ सोफे पे सोने की आदत है, दिस इज अ इंग्लिश कैट ना, मतलब रॉयल खानदान से आते हैं तो उसके वजह से गाइस ये नीचे तो बिल्कुल भी नहीं सोता एंड बेड पे मतलब कि बेड पे ही सोता है। अभी इसके आपको नखरे दिखा दो, आपको क्या क्या नखरे, मतलब कि सो गया सो गया, ये ऐसे ही सोता रहता है, मतलब दिन भर ऐसे ही सोता रहता है। ये एक चीज अच्छी है कि ये बाथरूम में स्विच और पॉटी करना सीख गया है फर्स्ट डे से, तो इसका हमें टेंशन नहीं स्विच और पॉटी का। बाकी ये सब कुछ मतलब कि घर में आतंक ही मचा चुका है, बॉल से क्या खेलता है आपको मैं फुटेजेस दिखाता हूँ। ये देखो मतलब कि 15 मिनट खेलता है और 1 घंटा सो जाता है, तो ये इसका सीन है। बट रात में गाइस मतलब सुबह का सो जाता है बट रात में आतंक ही मचा देता है, मतलब सोता ही नहीं है, हमको जगना पड़ता है
एंड सुबह उठ के सो जाते हैं। तो हमको हमारी शिफ्ट लग चुकी है नाइट को नहीं सोने का, दिन में सोने का, बिकॉज उसके साथ सोने का और रात में जगने का। तो वो एक डायलॉग है कि कुछ मतलब एक मराठी में डायलॉग है, मतलब आम्ही सगळे उतरा आत्मनी झोपतो, आम्ही सगळे बाहेर झोपतो। गाइस नाम बताओ कि इसका नाम क्या रखूं, मैक्स, सिम्बा, और कुछ आपके मतलब दिमाग में हो तो ये बता दो, सजेस्ट करो। सो गाइस जैसे कि आपने वीडियोस देखा कि कैसे खेल रहा था वो, एंड गाइस अभी सो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। सो अभी सो गया है आराम से। सो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम मैं क्या रखूँ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।